अब तक आपने देखा महारानी रोहिणी को कुएं में धकेल पूतना स्वयं रोहिणी का रूप धर नंद के घर जा पहुंचती है, जहां पूतना ब्रह्मांड की सभी अधर्मी शक्तियों का आह्वान कर कान्हा को मारने का प्रयास करती है, किंतु चक्रधारी विष्णु की मोह माया में फंस सफल नहीं हो पाती। भैया तुम अपने ही पुत्र को मारने जा रही हो भैया। कि मेरा पुत्र नहीं मेरा शत्रु है। उधर मथुरा में वासुदेव के प्रति कंस के बदले स्वभाव को देख सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वहीं देवकी के प्राणों की रक्षा हेतु वासुदेव कंस को अपनी आठवीं संतान का सत्य बताने का निर्णय करते हैं। पूतना स्वरूप रोहिणी संग सोए कान्हा मयूर राज की पुकार सुन उसका पीछा करते करते कुएं में मूर्छित पड़ी रोहिणी काकी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वृक्षों की लताओं के रूप में सदियों से प्रतीक्षा कर रहे ऋषि परिवारों का उद्धार कर कान्हा गायों की सहायता द्वारा रोहिणी काकी को सकुशल घर ले आते हैं। मैया, मैं आऊं मैया। लल्ला, कान्हा तू कहाँ चला गया था रे? कहाँ चला गया था अपनी मैया को छोड़कर? मैया, मैं तो रोहिणी काकी को बचाने गया था। रोहिणी भाभी, काना, किंतु रोहिणी काकी तो तुम्हारे साथ थी नहीं, तो तुम उन्हें लेने कहाँ गए थे? नहीं बाबा, रोहिणी काकी का जीवन बहुत बड़े संकट में था, और हमारे घर पे जो रोहिणी काकी है वो रोहिणी काकी नहीं बल्कि असुर पूतना थी। ये आपका ही है ना? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं। मुझे क्या पता तुम्हारा लल्ला का है? तुम्हारा लल्ला है स्वयं जाके ढूंढ लो। यहाँ रुकने का मेरा कोई उद्देश्य है जो तुम्हारे लल्ला की वजह से सफल नहीं हो पा रहा है। भाभी, ये काना क्या कह रहा है? नंद बाबा, काना ठीक कह रहा है। पूतना के कारण मैं बहुत बड़े संकट में पड़ गई थी। मैं जानता था जीजाश्री, जितना प्रेम आप मेरी बहन देवकी से करते हैं उतना ही प्रेम उसके ही सौभाग्य भाई कंस से भी करते हैं। बताइए, बताइए ना, देर मत कीजिए, मुख खोलिए, सत्य को झर 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 बहने दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताइए ना, क्या हुआ था उस रात? उस रात अमावस्या की रात थी। देवकी के गर्भ से पुत्री ने नहीं, एक पुत्र ने जन्म लिया था। हो गया, उस आठवीं संतान का जन्म हो गया। यह सत्य तो मैं भी जानता हूं जीजाश्री, कि मेरी बहन देवकी ने पुत्री को नहीं पुत्र को जन्म दिया था। उसी को तो इतने वर्षों से ढूंढ रहा हूं। आधी रात को न्याय का घंटा बजा बजा कर आपने मुझे नींद से जगाया है। मेरे साथ न्याय मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। कृपा कीजिए, मुझे बता दीजिए जीजाश्री, कहाँ है आपका आठवां पुत्र? ए चक्रधारी विष्णु, जिसकी तू रक्षा कर रहा है, जिस देवकी और वसुदेव पर विश्वास करके तूने मुझे मारने की योजना बनाई थी, आज वो मेरी शरण में खड़े हैं। मैंने इन्हें विवश कर दिया तेरी माया का भेद खोलने के लिए। जीजाश्री, अब तो मेरे साथ साथ आपका वो छलिया विष्णु भी प्रतीक्षा कर रहा है अपना सत्य सुनने के लिए। बताइए ना, क्या हुआ था उस रात? उस रात था उस रात उस रात एक आकाशवाणी हुई थी।
आकाशवाणी। उस दिन मैं आप दोनों को महेशमती लेकर जा रहा था और मैंने अपनी बहन को 8 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया था और बिजलियां कड़की थी, बादल गरजे थे, आकाशवाणी भी हुई थी। स्मरण है, सब पता है मुझे। तुझे कुछ नहीं पता कंस, जिस रात मेरे पुत्र का जन्म हुआ था उस अमावस्या की रात को भी एक आकाशवाणी हुई थी। वसुदेव, इस बालक का जन्म संसार में धर्म की स्थापना के लिए हुआ है कि मैं अपने पुत्र को यमुना पार ले जाऊं। इसका मतलब कंस की राक्षसी पुत्र हमारे घर पर है। आनंद बाबा, मेरे रूप में वो पूतना ही थी। तो वो पूतना थी, तभी उसका व्यवहार इतना बदला हुआ था। किंतु एक बात नहीं समझ में आई, वो हमारे घर क्यों आई और उसने आपका भेष क्यों ले रखा था? मुझे नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आई थी, किंतु वो इतने दिनों तक आप सबके साथ रह रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य था। उद्देश्य मैं समझ गया भाभी। क्या समझ गया? यशोदा, जो बालक कंस के मृत्यु का कारण बनने वाला है, उसी बालक को ढूंढने पूतना यहां आई थी। और इसका तात्पर्य ये कि गोकुल पर से जो संकट था वो अब तक टला नहीं। सत्य का आनंद। संकट तुम्हारे सामने खड़ा है। मौन क्यों है जीजाश्री? मत सताइए अपने इस संबंधी कंस को, मुंह खोलिए, बोलिए। क्या हुआ था उस रात की आकाशवाणी के पश्चात? उस रात आकाशवाणी के साथ मेरी पेड़ियां खुल गई। और जब मैं अपने पुत्र के साथ आगे बढ़ा तो तेरी काल कोठरी के सारे द्वार एक एक करके अपने आप खुलते गए। मैं जो जो आगे बढ़ा, तेरे सैनिक, तेरे द्वारपाल सारे सो गए। यहां तक के उस रात पूतना तक सो गई। यशोदा का दुलारा आज
क्रोध में सबसे पहले तेरी हत्या करूंगी। उस रात मैं जान गया कि होनी सबसे प्रबल होती है। तेरी बेड़ियां, तेरी काल कोठरी, तेरे सैनिक, तेरे रक्षक होनी के सामने सब विफल हो गए और मैं अपने पुत्र को अपने हाथों में लेकर तेरे इस महल से निकल गया। यमुना तट पर पहुंच गया। पूता, तुम्हारी असुरी शक्तियों से हम डरने वाले नहीं है। हमारे बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। गोकुलवासियों, जाओ जाके अपने हथियार ले आओ। नंद, फूंक मार कर बाहर उड़ाना चाहते हो? तुम रोकोगे मुझे, पूतना को? उस रात यमुना उफान पर थी, किंतु अपने पुत्र को लेकर बिना किसी कठिनाई के मैंने उफनती हुई यमुना को पार कर लिया। तनिक मैं भी देखूं कि गोकुल वासियों में कितनी शक्ति है। उफनती हुई नदी को पार करके तुम ब्रजमंडल के किस गांव में पहुंचे, किसके घर? बादल गरजे, बिजली कड़के, गरज गरज कर प्रकृति बोले, ये सब तुमसे कहे वसुदेव। खोलो हृदय की गांठ, खोलो मन के रहस्य से बोल डालो, धोलो धोलो अपने सभी पाप धोलो। सत्य कह दो वसुदेव, भगवान कंस तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए क्षमा कर देंगे। आ,
कहीं इस अधर्मी को अपनी संतान का सच बताकर मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूं। लगता है प्रकृति मुझे कोई संकेत दे रही है। हाँ, प्रकृति कुछ संकेत दे रही है वसुदेव। उस दिन भी तो यही हुआ था जब मैं तुम दोनों को रथ में बिठाकर महेशमती ले जा रहा था। कड़कड़कड़ बिजलियां कड़की थी, धड़ 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 बादल गरजे थे और आकाशवाणी हुई थी, मधुर आकाशवाणी हुई थी। मुझे सत्य बताने वाली आकाशवाणी क्या? चक्रधारी विष्णु, आज कोई आकाशवाणी नहीं करोगे। देखा देखा कितने ऊंचे स्वर में तुम्हारा वो विष्णु हाँ हाँ कह रहा है। जो भगवान कंस चाहते हैं उसे प्रकृति भी दोहरा रही है। अब क्यों हो मौन? घूंघट के पट खोल, कुछ तो बोल। नाम धाम कहाँ है वो बालक? किस गांव में, किसके घर? बालक? हाँ बालक, जिसे चुराकर तुम यमुना पार ले गए थे, जिसे चुराकर तुमने अपनी पत्नी देवकी का वचन तोड़ दिया था, वही वसुदेव। यमुना पार पहुंचने के पश्चात क्या हुआ था बताओ वसुदेव, मत भूलो। एक पलड़े में सच्चाई है और दूसरे पलड़े में देवकी का जीवन। सच्चाई जीवन, सच्चाई जीवन, सच्चाई जीवन, सत्य बोलो और मृत प्राय देवकी के शरीर में प्राण घोलो। बोलो बोलो। उस रात यमुना पार कहां ले गए थे अपने आठवें पुत्र को? उस रात यमुना पार मैं अपने पुत्र को किसके घर? किसी भी क्षण नंदलाल के लिए संकट बन सकती है। अब तो आपको ही उनके जीवन की रक्षा करनी होगी। अब या तो आप अपनी कोई लीला रचिए, अन्यथा कान्हा को इस सत्य का आभास करा दीजिए कि उनके भीतर असीम शक्तियों का वास है। देवी, केवल कान्हा में ही नहीं अपितु इस संसार के सभी प्राणियों में असीम शक्तियों का वास होता है। केवल उन्हें
अपनी अंतर आत्मा की अथाह शक्तियों को पहचानने भर की देर होती है, कान्हा को भी अपनी असीम शक्तियों का आभास होगा, किंतु सही समय आने पर देवी। तुम्हारी मृत्यु के बाद